मैं किसान सम्मान निधि योजना के बारे में आपको कासिम भाई मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है ना किसानों को करीबन कोई 47,000 किसानों को ये किस्त मिल चुकी है। अब इसमें जो किसान रह गए हैं उन्होंने किसी किसी किसान ने ना बार बार उन कहने के उपरांत भी हमने न्यूज़पेपर में भी डाला है, आपके माध्यम से भी हम लोगों को सूचित करते रहते हैं, आगाह करते रहते हैं इसके बारे में, वो केवाईसी वगैरह ये नहीं करवाते। एक जो किसान भाइयों से हम आग्रह करते हैं कि आप जो है नेशनलाइज बैंक में अकाउंट खुलवाओ, क्योंकि जो ये हमारे यहाँ के लोकल बैंक हैं जैसे सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो एनपीसीआई से लिंक नहीं है बैंक में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्हीं बैंकों में पैसा डाल रही है जो एनपीसीआई से लिंक है। तो हम किसानों से आग्रह करते हैं कि आप इंडिया पोस्ट बैंक में खाता खुलवा लीजिए या कोई नेशनल बैंक है जैसे उनमें खाता खुलवा लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो किसान भाई अब वो सोचता है कि मैं तो जहाँ मेरा अकाउंट है मैं दूसरा अकाउंट क्यों खुलवाऊँ, लेकिन अब वो उनको खुलवाना पड़ेगा। हम उनसे बार बार आग्रह करते हैं और खुलवाएंगे उन्हें। वो किसान भाई जो है ना कुछ तो इस बारे में जागरूक ही नहीं है कि भाई केवाईसी कहाँ होती है। हम उनको खूब पेपर के माध्यम से जानकारी देते रहते हैं कि भाई या तो अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पे जाएं और अपने बैंक में भी जाके करवा सकते हैं, जो वो निशुल्क है, उसमें कोई शुल्क नहीं लगता किसान का। लेकिन कुछ किसान भाई हैं जा नहीं पाते वहाँ तक, सेंटर तक नहीं जाते। तो अब हमने कुछ ऐसा किया है कि भाई हम अपने कर्मचारियों के थ्रू ही सोच रहे हैं, करवा देते हैं इनकी, तो हम अपने कर्मचारियों को लगा के अब उनके माध्यम से हम करवाना सोच रहे हैं, क्योंकि हो सके भाई सभी भाइयों को हमें लाभ देना है और इससे कोई वंचित ना रहे। ऐसे कितने किसान हो सकते हैं? ऐसे किसान करीबन कोई मेरे ख्याल से होंगे कोई 25,000 के आसपास किसान होंगे जो अभी इस एकेवाईसी की वजह से और एनपीसीआई जुड़े हुए जो नेशनलाइज बैंक है उनमें अकाउंट नहीं खुलवा पा रहे या इंडिया पोस्ट बैंक में नहीं खुलवाना खाता नहीं खुलवा पा रहे हैं। तो इसकी वजह से इसमें इंडिया पोस्ट में भी जैसे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंडिया पोस्ट ये डाकखाना है ये भी नहीं खाता खोले। ये कहते हैं अपने जो गांव में कहीं आपका जो ब्रांच है वहाँ खाता खुलवाओ जाके, तो जैसे नियर बाई के हैं उनको तो इनको वैसे खोलना चाहिए, जो यहाँ का हेड पे है जो इनका ऑफिस है पोस्ट ऑफिस उसमें खोलना चाहिए उनको, ताकि किसान ऐसे भटकता रहता है क्या, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको एक कार्ड ही देना होता है इनको अकाउंट, कोई बुक तो आजकल मिलती नहीं है, एक एटीएम कार्ड की तरह का अकाउंट दिया जाता है बस खोल के कार्ड। ये है कासिम भाई। उस्मान है जी, हाँ थे जी, रहना सर, मेरी खालिस्तान खाना मिल रही जी, जमींदार के जो है। कौन सी योजना के तहत मिल रहे थे? कितने जमींदार के साथ मिले जी, रुपए? 2,000 रुपया मिले जी, 4 महीना मिले, कम कितने दिन से नहीं मिले आप? से 1 साल हो गए जी, साल से उनका कुछ कम हुआ, 7 मान के चला, तुम क्या चाहते हैं? यहाँ था ना पैसे मिलने लग जान लो जी दोबारा। अभी यहाँ अधिकारियों से मिले हैं, क्या कह रहे हैं? अरे अभी बात करें तो कहाँ उन्हें चल रहा बताया। हाँ पाती या फिर क्या है? सर, सबसे पहले जिनकी 2 किस्तें रुकी हुई हैं, जिनका किसानों को ये है कि हमारी 31/5/2022 के बाद में कोई भी किस्त नहीं आई है, उनके लिए यही है कि आप अपना पहला जो उनका खाता था वो रिजेक्ट हो चुका है, ठीक है, पीएफएमएस बैंक के द्वारा। उसके लिए वो अपना 4 बैंकों का उनके लिए ऑप्शन है कि या तो आप पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक और एक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जिसको डाकखाना कहते हैं, आप उनमें से किसी भी 4 बैंकों में से किसी एक में आप अपना अकाउंट ओपन कराइए, और उसके बाद डीबीटी वाला जो अकाउंट है आपका ऑनलाइन अपडेट हो जाएगा, आपको ऑफिस में भी आने की कोई जरूरत नहीं है। अधिकतर किस तरह के परेशान हैं जो यहाँ परेशानी दे रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं? सर, ज्यादातर मोस्टली तो यही है कि एक तो अकाउंट प्रॉब्लम चल रहा है, सेकेंडली यह है कि जैसे सरकार ने पहले 4 साल पहले ये स्कीम चलाई है, 4-5 साल पहले, उस समय जो वेरिफिकेशन हुई थी जमीन की, लेकिन सरकार ये दोबारा देखना चाहती है कि अभी भी उन किसानों के पास वो जमीन है या नहीं है, इसीलिए अभी लैंड सीडिंग का भी जो वेरिफिकेशन वो चल रहा है, तो कुछ लोगों की ये भी है कि लैंड सीडिंग नहीं हुई है, उस कारण किस्त नहीं आई है। कहाँ से हैं जी? रहना से। क्या परेशानी क्यों आए? परेशानी में किस जोड़े की 2,000 रुपये क्या है जिंदा की, वो किस रूप में हाल की, एक पहले बार पहले मिली हमने, और कुछ चक्कर ना आए सर। कब से नहीं मिल रही किस्त? ये किस हाल किस ना है भी, जो सब की आलमियत ना है, ये 4-5 महीने हो गए इसको, सब की आई 2 महीने पहले अब मिली, मेरा 20 दिन पहले मिली, सब मेरे नाम जैसे आप साथ खड़े सारे बन परेशान हैं सारे, आप देख रहे हैं।
किस्त आ चुकी है कई बार मेरी हाल किस्त, इसलिए मैं यहाँ सेवा में। अब अधिकारी क्या कह रहे हैं, कर्मचारी क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं जी आपकी जमीन नहीं चढ़ी, राज करवाई राज करवा के हैं, जब पैसे मिले मेरे लिए। हाँ तो कितने दिन से चक्कर लगा रहे हैं? सब 30 चक्कर मेरे तो आप कह रहे हैं, फिर मैं छुट्टी कर दूँ सर, दिक्कत नहीं, लेकिन अब 30 बार क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं मैं किसान जमींदार।